नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजीत। आप देख रहे हैं ई स्मार्टर एवरीडे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकाले गए भर्ती के बारे में, और यहां पर कुल 1492 वैकेंसी निकाला गया है। मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर आपको 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन निकली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है, और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। उस पे दोस्तों मैं आज का पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा। हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको जो है वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 24 जनवरी 2022 को ही जारी किया गया है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैं एक एक करके सारी जानकारी बताऊंगा, और यहां पर यह भी आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर दोस्तों मैं जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आ जाने के बाद आपको यहां पर रिक्वायरमेंट करके यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर एक और पेज ओपन हो जाएगा, और यहां पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है रिक्वायरमेंट 2022 वाला, इस पर क्लिक करके दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया वो नोटिफिकेशन यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहां पर जो वैकेंसी जो जारी की गई है, किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक के लिए 505 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 28 है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 570 है। इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहां पर 29 है, और जूनियर असिस्टेंट की 360 वैकेंसी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो असिस्टेंट और ये सब है इनके लिए यहां पर इंजीनियरिंग डिग्री है होना चाहिए, और यहां पर इनके लिए दोस्तों जूनियर के लिए यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए डिप्लोमा कैंडिडेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम आगे बात करें, इसको दोस्तों ऑनलाइन भरना है आपको, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं भरना है। और यहां पर एज की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र जो है 18 से 35 साल के अंतर्गत आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो एससी एसटी को 5 साल का एज लिमिटेशन दिया जाता है, और ओबीसी को 3 साल का। ठीक है, इसके अलावा सैलरी की बात करें तो सैलरी यहां पर 20,200 से लेकर 72,920 रुपए तक सैलरी जो है वो आपकी चली जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटन टेस्ट के बिहा पे यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्वालिफिकेशन जो यहां पर डिप्लोमा और कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री कैंडिडेट चाहे इलेक्ट्रिकल से किया हो सिविल से किया हो वो सभी कैंडिडेट यहां पर जो है आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो 7 फरवरी 2022 तक आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई इस भर्ती से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आपको पूछ लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।